ये आदमी क्या करता है, इतना बढ़िया लेंस आंखों में डलवा लेगा कि चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं रह जाती। तीसरी बार इसके हाथ पैर में दर्द दे देते ईश्वर, पैरों में घुटनों में दर्द जानते हो क्यों देते? कहते ये काम करते करते तुम्हारे पुरखे भी मर गए, खत्म नहीं हुआ और तुम लोगों से भी खत्म होने वाला नहीं है, काम कम करो, थोड़ा मेरा भजन करो। तो ये आदमी क्या करता है, बादाम और च्यवनप्राश मंगा करके खाना शुरू कर देता है। और चौथी बार जब मौत की आंधी इसे रगड़ देती है तो इसके हाथ में फिर कुछ होता नहीं। एक बात याद रखना, जीवन में कुछ लाइनें दे रहा हूं महाराज, परीक्षित जी की तरह अपने मौत को सार्थक कीजिए। इस दुनिया में आप चाहे जो करेंगे, चाहे जितना कमा लो, चाहे जितना इकट्ठा कर लो, उसका परिणाम बहुत सही आने वाला नहीं है। कवियों की लाइनों में जरा देखना, दो चार लाइन बड़ी सुंदर उपमा है। तूने जो कमाया है ये दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाए, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाए। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये गाते हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये गाते हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, सांस टूट जाएगी सांस टूट जाएगी रिश्ता टूट जाएगा, सांस टूट जाएगी जो कम।
हर समय मर हम काज मरने पे तुझको काज मरने पे तुझको कोई मरने पे तुझको कोई इस संसार में यही सत्य है। महाराज परीक्षित राजा है, लेकिन सारे राज सत्ता को त्याग करके गंगा के किनारे आकर के बैठ गई। अरे संसार के बुद्धिमानों, एक काम याद रखना, इस संसार में विष के सिवा कुछ भरा नहीं है। तुम चाहे जितना गला इन संसार वालों के लिए कटा दोगे और ये बदला तुम्हें अपकार से ही देंगे। उपकार केवल ठाकुर जी कर सकते हैं बस इस संसार। जब ये धरती पर श्राप हुआ कि परीक्षित जी महाराज को श्राप हो गया है, हल्ला हुआ, तो दुनिया के जितने महात्मा थे सब परीक्षित जी से मिलने के लिए गंगा के किनारे पहुंच गए महाराज। और परीक्षित जी ने केवल एक ही सवाल संतों से पूछा कि क्या मैं 7 दिन में मुक्त हो सकता हूं, है ऐसा कोई रास्ता? बड़े बड़े महात्मा चुप हो गए महाराज। कोई कहते हैं हमने 60,000 वर्ष तपस्या किया है, कोई कहता है हम 70,000 वर्ष, कोई कहते हैं हम 1,00,000 वर्ष। परीक्षित जी ने कहा कि आप सबको प्रणाम, लेकिन मुझे समझा दो कि अगर महाराज खडवांग 2 घड़ी में मुक्त हो सकते हैं तो मैं 7 दिन में नहीं हो सकता। लेकिन
लेकिन ये भगवान पर अटूट श्रद्धा रखने वाली, भगवान पर अटूट श्रद्धा रखने वाली भक्ति। एक बार भगवान पर यह विश्वास करके देखना, तब तक एक घटना घट गई। क्या घटना घटी? कि तत्र भवत् भगवान व्यास पुत्र यदृच्छया गामटमानून पेच्छा अलच्छलिंगो निजलावतुष्टु वृत्तस्य बालैर् अवधूत वेशा। तब तक क्या हुआ कि भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास के बेटे बन गए सुखदेव स्वामी के रूप में। ध्यान देना, परीक्षित जी पर जब अश्वत्थामा ने अस्त्र से वार किया तब भगवान सुदर्शन लेकर के गए उत्तरा के घर में, और आज ऋषि के पुत्र ने वागास्त्र फेंका है, तो वागास्त्र के द्वारा परीक्षित जी को बचाने के लिए भगवान ही व्यास के बेटे बन गए। 16 साल की अवस्था, कोपीन पहने, कमंडल लिए और उस समाज में प्रवेश कर गए। वहां महाराज भृगु, वशिष्ठ, चमन, बड़े बड़े व्यास, पाराशर, बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, सब उठ करके खड़े हो गए और सब लोगों ने सुखदेव स्वामी का अभिनंदन किया। बोलिए सुखदेव स्वामी जी महाराज की। श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज पतित पावनी भगवती वासुदेव करुणामयी मां गंगा के किनारे पहुंच गए। बड़े ढंग से उनका पूजन किया, आदरणीय सुखदेव स्वामी जी का पूजन हुआ। श्री परीक्षित जी ने पूजन किया और आसन पर बैठा करके गंगा के किनारे सबसे पहला सवाल पूछा है, महाराज परीक्षित जी पहला सवाल पूछ रहे हैं और इसका उत्तर आप लोग पूरे जीवन जानने के लिए प्रयास करना। राजा ने कहा, परीक्षित जी ने कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ए स्वामी, इस संसार में जितने प्राणी हैं, ये संसार के प्राणी सब मरण धर्मा है। इन मरने वाले व्यक्तियों को अपने जिंदगी में क्या करना चाहिए, यही प्रश्न है। हम सब लोग तो मरने वाले हैं, हमको अपने जीवन में क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं भाई तो जिंदगी बहुत पड़ी है। अरे मान लो किसी की जिंदगी अगर 60 साल है, 70 साल है, तो 70 साल में तो 35 साल तुम सोओगे ना भाई, 24 घंटे में आधा तो रात है। 70 साल की अगर आपकी पूरी उम्र है तो 70 साल में 35 साल तो निकल जाएगा सोने के लिए आपकी, और 35 साल में ही सब करना है। समय उमय नहीं है आपके पास, ये चक्कर छोड़ दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, उसकी नजाकत को भापते ही उस शाम होने के पहले अपने आप को बचा लो। भगवान की पूजना किशोरावस्था से करनी चाहिए। भगवान की पूजा करने के लिए कोई उम्र नहीं है। अरे पता नहीं हम ना बूढ़े हो, बीच में ही चले जाए। हे महाराज, ये संसार है और ये संसार के जितने प्राणी हैं ये सब मरने वाले हैं, और इन मरण धर्मा प्राणियों को अपने जिंदगी में क्या करना चाहिए?
ये कथा भगवती निकल करके द्वितीय स्कंद में प्रवेश कर रही है। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन बरिया ने सुते प्रसना कृतो लोक हितम नृप आत्मविसम्मता पुंसा श्रोतव्याद सुया परा। अरे महाराज परीक्षित, तुम वास्तव में नृप हो। नृप नृप माने राजा। ये सवाल आपसे क्या मतलब, ये तो संसार के कल्याण के लिए है और ये रास्ता आपके जीवन का श्रीमद भागों से बता दे रहा हूं कि हम लोगों को जिंदगी में करना क्या चाहिए। जानते हो क्या करना चाहिए? श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च अस्मरतव्य तथेच्छता भयम् एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। ये संसार में सारे लोग मरने वाले, ये सही है। एक काम करना, हे मरण धर्मा प्राणियों, जन्म का लाभ ले लेना। ये जो मानव शरीर लेकर के धरती पर आए हो, इसका लाभ, इसका पुण्य जरूर कमा लेना। सबसे पहले किसी योग्य विद्वान सद्गुरु से मिलकर के भगवान को प्राप्त करने का मार्ग प्राप्त करें और भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, जितना बड़ा प्लाट होता है उतना बड़ा मकान नहीं बनाया जाता है, और जितना बड़ा मकान बनता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं लगता है, और जितना बड़ा दरवाजा लगता है उतना बड़ा ताला नहीं लगता है, और जितना बड़ा ताला लगता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती। एक बड़े से फ्लैट को आप एक छोटी सी चाबी लेकर के चले आए होंगे और सोचते होंगे कि सब सुरक्षित है, ठीक है। ध्यान देना, इतने बड़े मकान को इतनी बड़ी चाबी के सहारे हमने छोड़ दिया। ऐसे राम जी का मंत्र, राम जी का नाम एक चाबी है। कौन सी चाबी है? वो आपके मुक्ति रूपे घर की चाबी है। उस मुक्ति के दरवाजे को अगर खोलना है तो भगवान का नाम, भगवान के नाम की चाबी ले लो और उसी चाबी से वो दरवाजे फट से खुल जाएंगे आपके लिए। हे महाराज परीक्षित, संसार में मरने वाले प्राणियों को सबसे पहले भगवान की कथा सुननी चाहिए। श्रोतव्या, जब सुनोगे तो भगवान को भैया न तो छुआ जा सकता है ना हम आंखों से देख ही सकते, और भगवान जीव आत्मा में प्रविष्ट कैसे होते हैं तो कहा कर्ण रंध्रेण प्रविष्टा। प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण, कानों के रास्ते से भगवान जीव के हृदय पर आते हैं, और जब जीव के हृदय पर आ जाएंगे तो उसका मन निर्मल हो जाएगा, और जब मन निर्मल हो जाएगा तो भगवत प्राप्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहित बट छल छी
परम बचन साढ़ी चतुराई मन क्रम बचन साढ़ी चतुराई भजत करी हरे रघुराई भजत करी हरे रघुराई निर्मल मन भगवान कहते हैं भैया मुझे कपट नहीं प्रिय है और भगवान के सामने जाना तो पर्दा नहीं करना चाहिए कपट माने पर्दा। भगवान ने जिस हालात में आपको रखा है खुश रहिए। और एक बात और कह देता हूं ऊपर वाले ने आपका पेट भरने का ठेका ले रखा है लेकिन पेटी भरने का ठेका उनके पास नहीं है आपका वो पेट आपका भरेंगे पेटी के ठेकेदार। और फिर मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा आग और जिंदा नर चिंता करे वाको बड़ी अभाग्य। जो मां के गर्भ में हमको जिंदा रख सकता है वो जन्म लेने के बाद भी जिंदा रख रहा है और रखेगा भी। उस भगवान पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कभी घबराना नहीं संसार के झंझावतों से। हे महाराज परीक्षित अधीतवान द्वापरादो पितुर्द्वयपायनाद मैंने अपने पिता से भागवत सुनी थी इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहिता और मैं तुम्हें भागवत सुनाऊंगा। महाराज परीक्षित पहली बात तो व्यक्ति को यह चाहिए कि संसार में वो संसार को मेरा रूप देख ले। ये थोड़ी सी भागवत का द्वितीय स्कंद ये बड़ा गंभीर है। इसमें भगवान ने कहा कि पूरे संसार में मुझे देखो। ये जो हिमालय है पर्वत ये भगवान का सर है। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों भगवान के नेत्र हैं। बड़े बड़े जंगल ये भगवान के शरीर के रोए हैं। इस धरती पर बहने वाली गंगा जमुना ताप्ती राप्ती चिनाब वितस्ता झेलम राबी परशनी गंगा अलकनंदा ये जो नदियां हैं ये सब भगवान के शरीर के पसीने की तरह प्रवाहित है। इस संसार में जितना कुछ दिखाई दे रहा है सब में परमात्मा है। सी राममय सब, सब जग जानी और इसलिए करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। ये भावना अपने मन में ले लेना कि भगवान हर जगह है। मंदिर में भी है रास्ते में भी है और हमारे हृदय में भी है। समाह सर्वभूतेषु ये हर जगह व्याप्त है परमात्मा। महाराज परीक्षित और व्यक्ति को अपने जिंदगी में जो मरने वाले प्राणी है इनको यह सोचना चाहिए कि इनका मन कहां लगता है इनकी रति कहां है। रति का मतलब जानते हैं यह संसार के स्त्री पुरुष की रति की बात नहीं कर रहा हूं। पहले हमें ये मापना चाहिए कि हमारा मन लगता कहां है। टीवी देखने में मन लगता है कि पिक्चर देखने में मन लगता है कि गाना सुनने में मन लगता है। पहले यह अंदाजो कि आपका मन लगता कहां है और उस मन को हटा करके तस्मात् के निउपायेन मना कृष्णा निवेशये उस मन को वहां से हटाकर मेरे भाई भगवान के चरणों में लगा दो।
लगा देना चाहिए। जब मन भगवत चरण में लग जाएगा तो जीव का फिर कल्याण हो जाएगा। इस संसार में जो भक्त है ना, उन भक्तों को दुनिया में चाहिए ही क्या? भक्तों को दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, एक चीज चाहिए, केवल भगवत शरणागत, केवल भगवान नाम जप। आइए थोड़ा सा जप हम करेंगे, उसके बाद इस स्कंद का सारांश दे करके वक्तव्य को विराम देंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, तालियां लगाते हुए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सीता के बिहारी नंदलाल मेरो, परीक्षित जी, संसार में जल्दी मरने वाले व्यक्तियों को यही भगवत भजन करना चाहिए। अठारह पुराण सुन लो, चार वेदों को सुन लो, दो ही बात मुख्य रूप से आएगी,
क्या कि परोपकार पुण्याए पापाय परिपीडनम। 18 पुराणों में एक ही बात लिखी है भैया, दूसरे को सताओगे तो पाप लगेगा और परोपकार करोगे तो पुण्य मिलेगा। ये दो चीज गांठ बांध करके रखना अपने जीवन में। संसार को पार पाने वाले जीवों, एक काम करना, भगवत स्मरण करते रहना बस मन से। भक्ति जो है ना, ये भक्ति जब व्यक्ति के हृदय में आती है तो इसका कल्याण हो जाता है परीक्षित जी। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो उस दिन की भूख आपका व्रत बन जाती है। और भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो वो जल चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो फिर वो शब्द सब कीर्तन बन जाते हैं। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। और भक्ति जब आपके यात्रा में प्रवेश करती है तब आपकी वो यात्रा तीर्थ यात्रा हो जाती है। और भक्ति जब मानव में प्रवेश करती है तो फिर उसका सुधार होकर के वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। संतों विद्वानों को सुनना, शास्त्रों को पढ़ना, ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन दो चीज गांठ बांध करके रखना, परोपकार से पुण्य और दूसरे को सताने से पाप, इसके किनारे मत जाना। एक अच्छा रास्ता आपको बता दे रहा हूं। किसी के घर क्या हो रहा है तुमसे क्या मतलब है? कोई नमक रोटी खा रहा है, कोई हलवा पूरी खा रहा है, जिसके जो कर्म में है वो पा रहा है और तुम उसके लिए क्यों परेशान हो? वो इतना बड़ा हो गया, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे तुम अपना देखो पहले। जब एक उंगली आपकी किसी के ऊपर उठती है तो ध्यान रखना ये तीन उंगलियां फिर आपके तरफ इशारा करती हैं कि अपने आप को भी देख लो, तब किसी पर कमेंट करो। आप एक उंगली उठाएंगी लेकिन आप पर तीन उंगली उठेगी। तो इस संसार में जिसका जो प्रारब्ध है वो भोग रहा है उसमें आप परेशान मत होइए। हां हे राजेंद्र, व्यक्ति को अपनी मति, अपनी बुद्धि भगवान के श्री चरणों में लगा देनी चाहिए। यह प्रत्येक जीवात्मा के अंदर ऐसी सोच होना स्वाभाविक है, चाहिए भी। एवमेतन् निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। यह शास्त्र और मनुष्यों का कथन है। भगवत शरणागति को स्वीकार कर लो और भगवान को प्राप्त करने की धारा पर अविरल गति से चल पड़ो। अपने मन को पवित्र करके, अपने अंतःकरण को पवित्र करके, इस संसार में भगवत प्राप्ति करने का जो सोपान है उसका सबसे पहला रास्ता है भगवत नाम संकीर्तन। ये 10 अध्याय भागवत के द्वितीय स्कंध में ये भगवान के सत्ता का और भगवान को प्राप्त करने का उपाय बताई है। और भगवान को प्राप्त करने का उपाय है सत्कर्म। इसलिए हे महाराज परीक्षित, भगवान की कथा सुन करके, भगवान का पूजन करके, भगवान की लीला करके भगवत धाम को प्राप्त हो जाना ही भागवत सुनना है।
और जो भागवत सुनकर भगवान का न हुआ फिर वो किसका हो सकता है, मैं समझ नहीं सकता और न समझा ही सकता। लेकिन हे राजा, हे राजर्ष परीक्षित जी, इस धरती पर जितने कर्म हैं, जितनी नदियां समुद्र वन पर्वत पहाड़ हैं, वो भगवान सब में व्याप्त है। वो अणोर अणीयान महतो महीयान, वो अणु से लेकर परमाणु तक व्याप्त है। एक बात ये मार्मिक हमें समझना है, हमको भगवान में, भगवान की जब पूजा करने के लिए हम लोग बैठे, ये मैं नहीं कहता कि आप एक घंटे बैठना, पूजा तब तक करना जब तक आपका चित एकाग्र हो और मन लगे, तब तक भगवान के सामने बैठो। और मन में अगर भ्रांति पैदा हो जाए कि जल्दी जल्दी करके कहीं जाना है, तो फिर मन की एकाग्रता नहीं बन पाएगी। जितासनो जितस्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, और ध्यान करने के लिए एक आसन पर बैठने की आदत डालो पहले घंटे दो घंटे, श्वास रोकने की आदत डालो, प्राणायाम करो, और अच्छे लोगों के साथ में रहने के लिए अच्छे लोगों का साथ करना जिंदगी में, उनके साथ मत रहना जो आपसे भी ज्यादा घटिया है, नहीं खुद भी डूबेंगे और तुम्हें लेकर के डूब जाएंगे, वो संकोच नहीं होगा उसमें। जितासनो, आसन पर दो घंटे चार घंटे बैठने की आदत आपकी होनी चाहिए। और मैंने तो देखा है कि कभी ऐसे लोग अगर धोखे से कथा में आ गए तो 10-5 मिनट बैठे रहेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लेट जाएंगे, दोनों पैर भागवत जी की तरफ कर देंगे उठाकर। ऐसा नहीं, जीतासनो, आसन को जीतो, जीता श्वासो, श्वास रोको, प्राणायाम करो, कुंभक रेचक पूरक, अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो सत्संग मिल जाएगा। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, मानस कहता है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई राम सिया राम, बिनु सत्संग विवेक न होई राम सिया राम, सत्संग विवेक राम सिया राम, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम सिया राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम सिया राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम सिया राम। बिनु सत्संग विवेक न होई। और इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं भाई, एक तो होते हैं सठ और एक होते हैं मूर्ख। तो सठ सुधर रही सत्संगत पाई, सठों का तो सुधार हो जाता है जब वो अच्छे साथ में रहने लगते हैं, सत्संग करते हैं तो सठ में सुधार हो जाएगा। लेकिन मूर्ख हृदय नचेत गुरु मिले विरंती सम, लेकिन जो वास्तव में मूर्ख है उसको चाहे भैया ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे उतर करके समझा दो मानेगा नहीं,
सूखा हुआ काट और मूर्ख आदमी ये झुक नहीं पाते हैं। अरे झुक वही सकता है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मात्र मुर्दों की पहचान होती है। क्या याद रखना, भगवान के सामने और भगवान के श्री चरणों में झुकना ये हमारे जीवन का एक अंतिम उद्देश्य है। और आप लोगों से मैं कुछ इस तरह से वार्ता करके भागवत में बताना चाहता हूं कि मौत तो होनी है भैया, इसको तो शायद सब लोग जानते हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये होना है। मृत्यु वही प्राणिनाम ध्रुवः, हमारे जिंदगी में कुछ निश्चित नहीं है, एक चीज निश्चित है केवल, उसका क्या नाम है, श्री मौत। तो इन घर परिवार की सेवा करना, समाज में रहना है, समाज की सेवा करना, लेकिन आप लोग अपने मृत्यु को भी सुधारने के लिए एक घंटे भगवान की आराधना भी किया करना, इनमें से समय निकालकर। ये समय नहीं देंगे, ये तो तुम्हारे तब तक ग्राहक है जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है, तब तक आप सबके हैं। और जिस दिन ये ताकत घट जाएगी फिर आप किसके रहेंगे ये तो आपको वक्त बता देगा। इस पर रघुपत त्रिपाठी जी को टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये है भगवान तब भी आपके हैं, आज भी आपके हैं और कल भी आपके रहेंगे, वो भरोसा करने लायक। परिवार तो नहीं है भरोसा करने लायक, परिवार में केवल एक मां और एक बाप, और जीवन में मां बाप और गुरु, ये तीन लोग ऐसे होते हैं जो अपने बेटे और शिष्य के विकास पर कभी ईर्ष्या नहीं करते। इनको प्रसन्नता होती है कि मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है। गुरु प्रसन्न होगा, मां प्रसन्न होगी, पिता प्रसन्न हो सकते हैं, बाकी ये पूरा संसार आपसे जलन ही करेगा, ध्यान देना। संसार वाले प्रेम करेंगे तो किसी स्वार्थ के लिए, लेकिन मां बाप और गुरु का जो संतान पर प्रेम है वो निष्काम होता है, निस्वार्थ होता है। इसलिए हे महाराज परीक्षित, मरने वाले प्राणी को यम नियम संयम ध्यान धारणा समाधि इन सब का पालन करके अपने जीवन को मंगलमय बना लेना चाहिए। गतिम जिगीषिता पादुरुहाति विकामिका, किसी भी तरह से अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दो। और जो माताओं बहनों भगवत भक्तों, घर में 10 मिनट टाइम मिले, 5 मिनट टाइम मिले, अकेले में बैठ करके ठाकुर जी की पूजा जरूर कर लेना। पूजा के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत कैलेंडर लगाएं, मंदिर बनाएं, 2 मिनट 5 मिनट आपका, आपकी एकाग्रता जरूरी है, प्रदर्शन नहीं। मैं ये नहीं कहता सेवा ना करो, सेवा करना, लेकिन किसी को दिखावे के लिए पूजा मत करना। पूजा जब करना भगवान की तो अपने कल्याण के लिए करना। भगवान की जो भक्ति है ये बड़ी शांति मांगती है, भक्ति में बड़ी एकाग्रता चाहिए और ईश्वर में निष्ठा लगा दो सब ठीक होगा। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं, कवियों ने बड़ी सुंदर उक्ति दी है, और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी ये हमारा मन हे ठाकुर आपके चरणों में लग जाए। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा बना बना।
I'm
श्री हरि लाल की। आइए भगवान की शरणागति जीव को ले लेनी चाहिए। अंत में भगवान आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित जी को बहुत समझाते हैं। राजन, इस संसार में पैदा होकर के और इस नश्वर शरीर से शाश्वत परमात्मा को प्राप्त करना ही हम लोगों का लक्ष्य है और यह भागवत का लक्ष्य है। आगे कथा आती है, सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं महाराज परीक्षित जी को समझाते हुए। अखिल ब्रह्मांड नायक जगताधार परमात्मा स्वयं प्रभु संसार में जीवों का कल्याण करने के लिए विभिन्न अवतार में आते हैं। भगवान ने वाराह का अवतार धारण करके इस पृथ्वी के समस्या का समाधान किया और उसके बाद भगवान का एक बड़ा विलक्षण अवतार हुआ है। उस अवतार का नाम है भगवान कपिल। भगवान कपिल के रूप में प्रकट होकर के अपनी मां को बड़ा बोधगम्य, बड़ा ज्ञानगम्य उपदेश किया है। इस प्रकरण को मैं कल थोड़ा विशेष रूप से लूंगा। आज मैं सिर्फ इतना आपसे निवेदन कर दूं, भागवत के द्वितीय स्कंद से तृतीय स्कंद में प्रविष्ट होकर के भगवान ने बारह का रूप धारण करके पृथ्वी का कल्याण किया और इसी स्कंद में भगवान कपिल बनकर के अपनी मां को उपदेश करेंगे। कल आप लोग आनंद लेंगे। फिर कल ठीक 12:30 बजे से ये समय का थोड़ा विशेष प्रतिबंध है और आप लोग ये कोशिश करें कि घर के कार्यों से निवृत्त होकर 12:30 बजे बैठ जाए, 3:30 बजे तक आपको यहां से छुट्टी मिल जाएगी। आइए अब निवेदन ये करना चाहता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो महात्मा की कथा लिखी है बड़ी विलक्षण कथा है महात्मा की। कल आपसे मैं निवेदन कर भी रहा था कि इस भागवत को सुन करके भक्ति के दो पुत्र भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। इस पवित्र कथा को श्रवण करके भक्ति के दो पुत्र जवान हो गए महाराज। धुंधकारी ऐसे प्रेत की मुक्ति हो गई। ये भागवत जीते जी सदैव स्वर्ग भेज देने में हमें आपको सक्षम है। ए माताओं बहनों, ए भगवत भक्तों, आपसे पीठ से निवेदन करके कहता हूं और खासकर ये जो इतना बड़ा परिवार है यहां पर, जिनके कृपा कटाक्ष से, जिनकी मेहनत से इतना बड़ा कार्यक्रम इस धरती पर संचालित हुआ है, उन सबको धन्यवाद देते हुए आपसे आग्रह करूंगा, आप अपने नात रिश्तेदार को भी बता दें, आपके कहने बुलाने से भी लोग आकर भागवत सुन ले। ये भागवत का प्रचार, ये भागवत जितने लोगों के कणरंध्र में पड़ जाए उतना ही आनंददायी है और अगर आप किसी को बुलाएंगे तो उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। आइए अब ये शब्द पुष्पांजलि श्री राधा माधव के चरणों पर सादर समर्पित करता हूं और भगवान कपिल कल अपनी मां को उपदेश करेंगे। फिर ध्रुव जी का, सती जी का संक्षिप्त चरित्र लेते हुए, श्री भरत जी का चरित्र लेते हुए कल कथा का आप आनंद लेंगे। ध्यान देना, 7 दिन बैठ करके इस कथा को नियम से सुन डालो।
आपके जिंदगी से सारी खटक दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। आप श्रद्धा के साथ समय बंधाइए, बस इतना कीजिए। आगे आचार्यगण मैं उनसे कहूंगा, वो जरूर निर्देशित करेंगे आपको। आइए अब मैं चाहूंगा व्यास जी से कि एक बढ़िया चार लाइन की आपको भजन सुनाए, उसके बाद भगवत नाम संकीर्तन होगा, फिर आरती होगी, प्रसाद लेकर आप यहां से यथास्थान प्रस्थान करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मस्ती से तालियां लगाते हुए और गाते हुए नर्तन करते हुए मंगलमय आरती होने चल रही है। चक्षु सूर्यो वजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर अजायत मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुर्जाय सार्वभौमाय मंगलम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवंदनम् आत्माभिवादवंदनम् हरि ओम जगेन्न जगमय जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हराकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाद कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।